संजीव मेरे साथ है भैया, इनको फिशुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और एमआरआई रिपोर्ट में इनको दो फिशुला डायग्नोस हुए थे, एक 1 o'clock पे और एक 6 o'clock पे। और इनका जो है 19/3/2024 को इनका छाछूत पहली बार लाइगेट किया गया था और दोनों फिशुला जो थे इंटरस्पेसमेटिक स्पेस में थे और आज जो है लगभग 1 महीना हो गया है और भैया का दोनों फिशुला पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। ना तो अब इनको कोई पेन है, ना कोई जलन है, ना वहाँ पे कोई पस का डिस्चार्ज है, ये पूर्ण रूप से ठीक है। आज फाइनली इन्होंने दिखाया है, अब इनको कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं है। चूंकि इनका दोनों फिशला का ट्रीटमेंट हम लोगों ने छारसूत विधि द्वारा किया था, छारसूत से ये पूर्ण रूप से 1 महीना के लगभग आसपास ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए भैया से। क्योंकि हमको दिखाने से पहले ये मतलब ये सोचते थे कि शायद छारसूत बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, मैं अगर छारसूत दो दो बनवा लूंगा तो मुझे लैटिन कैसे जाना पड़ेगा या पेन इतना होगा तो कैसे काम करूंगा, तो इनके मन में बहुत सारे क्वेरीज थी। इसकी वजह से इन्होंने काफी दिन तक इसको ट्रीटमेंट मतलब रोक के रखा था कि, लेकिन जब छारसूत किया तो अब इनको कोई भी उस दौरान जलन दर्द नहीं हुई। चूंकि यहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर घर इनका पड़ता है, छारसूत दो दो चेंज कराते थे, आराम से घर जाते थे और बिना बहुत ज़्यादा पेन के, यानी जब से इनका ट्रीटमेंट हुआ है तब से इनको अगले दिन से एक भी पेन किलर का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। क्यों भैया जी सर, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कि जो लोगों के मन में भय है, या इसके पहले आपको भी बहुत डर था कि छारसूत बहुत पेनफुल होगी, कहीं ऐसा नहीं लैटिन रास्ता कट जाए, मैं अपने मल को होल्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि मतलब आपको ज़्यादा दर्द हुआ हो? नहीं सर, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन मुझे केवल 10 से 5% हुआ था, बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आई लैट्रिन करने में या चलने में, मतलब कोई काम करने में एक दिन केवल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई समस्या नहीं आती, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं होती उससे। जिस दिन छारसूत बदल जाता है उस दिन जो है थोड़ा सा पेन हल्का सा होता है, उस दिन पस भी ज्यादा डिस्चार्ज होता है, यानी वहाँ पे सिक्रीशन ज्यादा आते हैं और उसके अगले दिन से इतना दिक्कत नहीं आती है। बस एक ही शर्त होती है कि जो छारसूत रहे उसको बहुत ज्यादा टाइट न किया जाए, अगर इसको हम टाइट कर देंगे तो पेन बहुत करेगा और अगर हम इसको बहुत टाइट कर देंगे तो कई बार होता है जो हमारे स्किन की जो नर्व होती हैं जिसको हम लोग पुडेंडल नर्व कहते हैं, जिसकी ब्रांच यहाँ पे सप्लाई होती है, वो बहुत पेनफुल होती है, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो पेन करेगा। तो ज़्यादा छारसूत अगर टाइट नहीं किया जाता तो इतना पेनफुल थेरेपी नहीं होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि अक्सर ये लोग जैसे आपने जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या ऐसा एक दिन भी हुआ कि आपको दिन भर लेटना पड़ा हो या आपकी कोई ऐसा काम हो जो रुक गया हो? नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन मैं पूरा काम किया अपना, जो भी मुझे करना था हर काम किया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर काम करने में। बाकी धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, जीवन में ईश्वर करे कभी ना हो, और अब आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए, ठीक है। थैंक यू।